नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से CVET PG 2024 का एडमिशन शेड्यूल जो है वह जारी किया जा चुका है। तो कब किसका एडमिशन होना है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और साथ ही फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि CVET PG की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यह जो है हैदराबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं पर जो है जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ PG एडमिशन 2024 लिख के आ रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि 27 तारीख से इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वह शुरू किया था, ओपन किया था, जो कि 21/5/2024 तक चला था। अब इनकी तरफ से एडमिशन शेड्यूल जो है जारी किया गया है कि कब किसका एडमिशन होना है, क्लासेस वगैरह कब से शुरू होंगी। तो चलिए ज़रा सा हम लोग इस एडमिशन शेड्यूल को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने सबसे ऊपर में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में जो बताया है कि 26/4/2024 से लेकर 15/5/2024 तक इन्होंने फॉर्म भरवाया था। और इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है, यानी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में जितने भी इंटरव्यू वाले प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि MBA हो गया, MPA हो गया, म्यूज़िक हो गया, MBA हो गया, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं जिनमें एडमिशन इंटरव्यू के थ्रू होता है, तो इन्होंने जो है एक लिस्ट जारी करके सभी बच्चों को, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बुला लिया है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कब होगा? तो 10 से 11 जून को होगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि कहाँ होगा, कैसे होगा, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपके मेल पे आपके डिपार्टमेंट वाले जो हैं सूचित कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने MBA के लिए अप्लाई किया है, या फिर MPA के लिए किया है, म्यूजिक के लिए किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डिपार्टमेंट वाले आपको मेल के माध्यम से सूचित कर देंगे कि आपको कहाँ उपस्थित होना है। तो देखिए दरअसल होता क्या है ना, कि इंटरव्यू वगैरह जो हैं आपके आपके डिपार्टमेंट में ही होते हैं। तो 10 से 11 जून तक जो है आपका इंटरव्यू चलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह जो है 14 तक आ जाएंगे, और साथ ही फाइनल काउंसलिंग जो होगी वह 15/7/2024 को होगी, और क्लासेस वगैरह 16/7/2024 से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनकी लिस्ट 25 तारीख को आ जाएगी इंटरव्यू वाले बच्चों का, ठीक है। तो ये चीज़ रही। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो भी ऐसे PG के प्रोग्राम हैं जिनमें कि इंटरव्यू नहीं होता है, तो उनकी जो एडमिशन की लिस्ट है, यानी कि जो भी सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी लिस्ट 25 को आएगी, और काउंसलिंग वगैरह जो है 9/7 से 13/7 तक चलने वाला है। कब किसका होगा ये सारी चीज़ें आपको मेल के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। जैसे MA MSc के बहुत सारे कोर्स हैं जिनमें कि इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो इनकी लिस्ट 25 को आएगी, और काउंसलिंग जो है 9 से 13 के बीच में होगा, और क्लासेस वगैरह 15 से चलनी शुरू होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि यह लिस्ट किस प्रकार से आएगा, कैसे पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ना आपको मेल आएगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाता है, तो आपको मेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है इनको इंटरव्यू के लिए मेल आया है हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, ठीक है। तो ये तो मेल रहा, और इसी तरह से यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे प्रोग्राम के लिए इन्होंने मेल करके लिस्ट जारी कर दिया है, जैसे कि डांस में कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, थिएटर आर्ट्स हो गया, और भी बहुत सारे जो है वोकल वगैरह हैं, हिंदुस्तानी वोकल है, तो इन सभी प्रोग्राम के लिए बच्चों का लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया है, और जिनका उस लिस्ट में नाम होगा, रोल नंबर होगा,
वहीं बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इसी तरह से एमबीए के लिए भी है, एमएससी में भी एक प्रोग्राम चलता है, उसकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया है जिसका कि इंटरव्यू होना है। और एमबीए में दो कोर्स यहाँ पे चलाए जाते हैं, तो इसकी लिस्ट जो है इन्होंने जारी कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि भाई ये लिस्ट होता कैसा है, ठीक है ना, यानी कि ये लिस्ट होता कैसा है, तो हम लोग इसको एक नज़र इधर डाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह जो है ना सेलेक्टेड बच्चों का लिस्ट है, यानी कि एमबीए बिजनेस वाला जो प्रोग्राम है उसके लिए इन्होंने एक लिस्ट बनाकर दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। और इसमें जो है इन्होंने फॉर्म नंबर दिया है, जब आप फॉर्म भरे होंगे तो हैदराबाद के लिए तो आपके फॉर्म पे एक फॉर्म नंबर दिया गया होगा, और इस फॉर्म नंबर वाले बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए। तो ये सारे बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए वहाँ पर उपस्थित होंगे। टोटल कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं भाई, तो यहाँ पर सारी लिस्ट इन्होंने दे दिया है, लगभग कितने बच्चों को बुलाया है, तो इन्होंने जो है 245 बच्चों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब ये सारे बच्चे उपस्थित होंगे और इन्हीं में से बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेकर ये लोग एडमिशन फाइनल करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी, या फिर आपका प्रोग्राम इंटरव्यू वाला नहीं है तब भी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। 10th 12th का सर्टिफिकेट, बैचलर की डिग्री हो गई, और इसी के साथ साथ बैचलर डिग्री का मार्क्स मेमो हो गया, ठीक है ना, यानी कि मार्कशीट कह सकते हैं, ठीक है, उसी को इन्होंने वो लिखा हुआ है। इसके बाद CVT PG का स्कोर कार्ड, और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म का 2 कॉपी लेकर जाना है, अभी का आपको फ़ोटो लेकर जाना है, TCCC माइग्रेशन लेकर जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है, ठीक है ना, सबका 2-2 कॉपी होना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ जो भी बच्चे OBC EWS वाले हैं उनके लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 1/4/2024 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी इंटरव्यू वाले बच्चों को जो है कॉल लेटर आया है, और आपको भी आएगा, कब आएगा हमने पहले आपको बता दिया है वीडियो के शुरुआत में ही। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CVT PG की जितनी भी अपडेट होती है वह किसी भी विश्वविद्यालय की है वो हम आप तक तुरंत पहुंचाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।